हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड फर्स्ट असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस आज हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। नाउ ओपन योर असाइनमेंट नोटबुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे को एक स्टेटमेंट दी है, इससे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और वेरिएबल्स का भी यूज करना है, कॉन्स्टेंट का भी। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, 4 होते हैं हमारे, उनको यूज करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। सबसे पहले वाई और जेड का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। y और z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट करकर yz ही आएगा। अब वो कह रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 को हम पहले लिखेंगे और yz को हम बाद में लिखेंगे। तो आंसर आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 10 माइनस में yz। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स। हमारे को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से हमें टर्म्स बतानी है और इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके टर्म्स लिख लेते हैं और फिर उसके फैक्टर्स लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी 3/4x और सेकंड टर्म है हमारी 1/4। हमने दोनों टर्म्स लिख दी। अब इन दोनों टर्म्स के फैक्टर करने हैं। 3/4x नंबर है, 3/4 पहला फैक्टर और वेरिएबल है हमारा x, तो हमने इन दोनों के फैक्टर कर दिए। ये फैक्टर्स हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। और 1/4 का फैक्टर 1/4 ही है, या फिर हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्लासीफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फर्स्ट पार्ट है ab - a - b। हमें बताना है क्या ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो देखिए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में काउंट करो 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ये है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 - 3t। इसमें 2 टर्म्स हैं, काउंट करने पर 2 टर्म्स आ रही है, तो ये कौन सा है, बाइनोमियल है। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई एंड कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले और फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो p जो प्लस का है ये माइनस का p हो जाएगा और q जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो गए। माइनस q एज इट इज, इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर भी माइनस है तो इन दोनों टर्म्स के भी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस q प्लस में p। हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, अब हम इसमें से लाइक टर्म्स को चूज करते हैं। तो देखिए लाइक टर्म्स है एक p, माइनस p और एक ये प्लस p। ये तो लाइक टर्म का पेयर बन गया। नेक्स्ट लाइक टर्म है क्यू, माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये लाइक टर्म का पेयर बन गया, ठीक है। दो पेयर बना दिए। अब देखिए प्लस पी और माइनस पी, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पी में से पी माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गए, सिर्फ रिमेनिंग रह गई यहाँ पी। इसी तरह से यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस माइनस, क्यू में से क्यू कैंसिल करेंगे जीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ रहेगी माइनस क्यू। तो आंसर आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का p माइनस में q। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा हमारा, सब्ट्रैक्ट का -m² + 5mn फ्रॉम 4m² - 3mn + में 8। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, फिर माइनस का साइन, फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। जब भी आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो बाद वाले एक्सप्रेशन को हम पहले लिखते हैं, ठीक है।
कुछ नहीं है तो ये एज इट इज रहेंगी टर्म्स, प्लस का साइन है यहाँ पर बाहर तो ये एज इट इज रहेंगे। सेकेंड ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। एम स्क्वायर जो माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और 5mm एन माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स चूज करते हैं, 4m स्क्वायर, ये m स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी m स्क्वायर की टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसका एक पेयर बन गया। उसके बाद ये भी mn, ये भी mn वाली टर्म है, ठीक है, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स है, दो लाइक टर्म्स के पेयर है। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी प्लस 8 सिर्फ सिंगल ही है, क्लियर बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5m स्क्वायर, माइनस 3 और माइनस 5 कितना होता है, माइनस 8mn और प्लस 8 एज इट इज, तो आंसर आ गया आपका 5m स्क्वायर माइनस में 8mn प्लस में 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंपलीफाई एंड फाइंड द वैल्यू x प्लस 7 प्लस 4 इंटू में x माइनस में 5 और x की वैल्यू दी गई 2। सबसे पहले तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई करना है और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x एज इट इज प्लस 7 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब ब्रैकेट के जस्ट बाहर है प्लस 4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लग रही है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 को x से करेंगे 4x, प्लस 4 को माइनस 5 से करेंगे आ जाएगा माइनस 20, ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब हम इसको लाइक टर्म्स के पेयर बनाते हैं, x और 4x का पेयर बन गया फर्स्ट पेयर और 7 माइनस 20 ये कॉन्स्टेंट टर्म का पेयर बन गया, तो x प्लस 4x आ गया 5x प्लस 7 माइनस 20 आ गया माइनस 30। तो हमने सिंपलीफाई कर दिया इस एक्सप्रेशन को, आ गया 5x माइनस में 30। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, अब जहां भी x है x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। तो यहां देखिए 5x माइनस में 30 है, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे ब्रैकेट में, माइनस 30 एज इट इज, 5 2s are 10 माइनस 30 तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 क्योंकि 10 हमारा प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 गए 3 और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m अपॉन में 2 माइनस 4 और m की वैल्यू दी हुई है 2। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू 2 गिवन है तो m के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे ब्रैकेट में, अपॉन 2 एज इट इज और ये माइनस 4 एज इट इज। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10 अपॉन में 2, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 2 से 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, तो यह डायरेक्ट आ जाएगा 5 माइनस में 4, 5 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 1। पर 8 है बेटा, ऐड का 14x प्लस 10y माइनस में 12xy माइनस 30, एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस में 8xy और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 4xy। तो मैं इन तीनों टर्म्स को, तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रही हूं हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया मैंने, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एक्सप्रेशन, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर को चूज करते हैं, तो देखिए एक्स वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो ये एक पेयर बन गया लाइक टर्म का। उसके बाद वाई वाली टर्म 10y और माइनस 10y सेकेंड पेयर, उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म देखिए माइनस 12xy माइनस प्लस 8xy और प्लस 4xy, ये एक पेयर बन गया लाइक टर्म का, इसमें 3 टर्म्स हैं। कॉन्स्टेंट टर्म देखिए कौन सी है, माइनस 30 और प्लस 18। अब अपनी टर्म्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है आपकी, तो काउंट कर लो 2 4 4 और 3 7 और 2 9 टर्म्स कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 14 माइनस 7 आ जाएगा 7x प्लस 10y माइनस 10y, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इनको सोल्व करते हैं, माइनस 12xy प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12xy आ जाएगा ये, और माइनस 13 प्लस 18 आ जाएगा प्लस 5, ठीक है।
अब ये दोनों टर्म्स अगेन कैंसिल हो रही है, माइनस 12 प्लस 12 जीरो होता है, ठीक है, तो आंसर आ गया 7x प्लस में 5, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया बेटा, 8 क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे सॉल्व कर लिए हैं, आपने ये क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन से मैच करने हैं बेटा। इसी के साथ आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है।